So, ये जो हमारे सीरीज ऑफ टॉपिक्स हैं, ये हैं पैसे बनाने के बारे में. क्यों? बिकॉज इफ यू आर एबल टू अर्न मनी यू कैन मेक योर लाइफ बेटर. अगर आप पैसे बनाना सीख जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी भी बेहतर करेंगे, आप अपने इर्द गिर्द अपने घर वालों अपने दोस्तों की ज़िंदगी भी बेहतर करेंगे और साथ ही साथ आप मुल्क का भी नाम रोशन करेंगे. सो वी वॉन्ट टू टीच यू हाउ टू अर्न मनी, वी वॉन्ट टू टीच यू हाउ टू चेंज योर लाइफ with WordPress. ये particularly जो हमारा topic है that's about earning money with affiliate marketing. Affiliate marketing क्या है? Affiliate marketing क्यों ज़रूरी है और affiliate marketing कैसे आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है? That is something very important to think about. If you're like most people, you probably wouldn't mind making a little extra money from your website. आप अपनी वेबसाइट से एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग का गुर सीख जाएं. सो वी वुड हाईली इंकरेज यू कि सिर्फ आप एड्स पे अपना फोकस ना रखें बट इसके साथ साथ देखें कि और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास टू मेक मनी, जिनमें से अफिलिएट मार्केटिंग इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम. और अफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ग्रो भी करी. और एक चीज़ जो अफिलिएट मार्केटिंग की है ये है कि ज़्यादा लोगों को इसका नहीं पता. सो अगर ज़्यादा लोगों को इसका नहीं पता दैट मीन्स दिस इज़ एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मेक मनी एंड टू बिल्ड एन इकोसिस्टम एन एम्पायर विद वर्डप्रेस. लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा पैसे बनाने के बारे में कि इट समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू नो वेयर टू स्टार्ट. और ख़ास तौर पे अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ये चीज़ मशहूर है कि अगर आपने अफिलिएट मार्केटिंग शुरू करनी है तो आपको नहीं पता कि ये क्या होती है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं. तो इससे पहले कि उस पे मैं जाऊँ, आपको थोड़ा सा मैं अफिलिएट मार्केटिंग का एक फ्लेवर दे देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है. तो भाई बड़े सिंपल अल्फाज में अफिलिएट मार्केटिंग इज़ वेन यू प्रमोट अदर पीपल्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज earning a small cut of the revenue for every resulting sale made. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप किसी और का product बेच के अगर वो product बिक जाता है तो you will earn a certain percentage. तो आपका क्या नाम हुआ? आपको हम कहेंगे middleman या middle person, somebody who is in middle of this ecosystem जिसको हम affiliate marketing कह रहे हैं. सो इस इकोसिस्टम के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, दे आर न्यूमरस. इट्स लार्जली पैसिव इनकम स्ट्रीम एंड इट हैज़ अ वेरी लो बैरियर टू एंट्री. भाई ज़रा एक्सप्लोर करते हैं कि पैसिव इनकम स्ट्रीम का क्या मतलब है. पैसिव इनकम स्ट्रीम का मतलब ये है कि एक दफ़ा आपने ये सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को सेटअप कर लिया तो ये अंडे आपके ऑटोमेटिकली निकलते जाएंगे, पैसे भी आपके बनते जाएंगे और आपको बार बार इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड लो बैरियर टू एंट्री का मतलब ये कि चूंकि ये स्टार्ट करना ज़रा आसान है इसलिए इसमें कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है, बट देन अगेन यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि ज़्यादा लोगों को इसका नहीं पता. ट्रेडिशनली देयर आर टू वेज टू मेक मनी. एक, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी आप अपनी वेबसाइट पर एड्स डाल सकते हैं और वेबसाइट पर एड डाल के आप पैसे बना सकते हैं, बेशक वो एडसेंस हो या इन्फोलिंक्स हो. दूसरा एक तरीका ये है कि आप अपना प्रोडक्ट जो आप खुद ओन करते हैं, इट कुड बी अ फिजिकल प्रोडक्ट और अ डिजिटल प्रोडक्ट, उसको बेच के आप पैसे बना सकते हैं. बट देयर इज़ अ मिडिल ग्राउंड, देयर इज़ अ न्यू वे. वो मिडिल ग्राउंड है कि आप किसी और का प्रोडक्ट अपनी साइट पे बेचें और उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसमें से एक छोटा सा कमीशन आप अपनी जेब में डाल लें. और इसी तरह जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स हज़ारों की तादाद में लाखों की तादाद में सेल करेंगे तो भाई आप भी लखपति बन जाएंगे. और हम यही तो चाह रहे हैं दैट यू मेक अ लॉट ऑफ मनी.
So this is essentially what affiliate marketing is. Affiliate marketing is the process of promoting other people's products and services online. You can simply do this by posting links on your content and creating reviews. Aap ek chota sa commission banayenge jab bhi kisi aur ka product jo ki aapne select kiya wo sell hoga. These commissions can come as a percentage of the sale or a flat fee per order. Ye bhi aap pe depend karta hai aur ye us feature pe depend karta hai affiliate marketing ki jo aap select karenge. While the seller will pay you a commission, the end price of the product doesn't change. Bhai aakhir mein jo product ki price hai wo wahi rahegi taaki aapke consumers ko ye na lage ki aap unse extra paise charge kar rahe. But affiliate marketing mein product ko select karna dekhna bahut zaruri hai. So for example, if you're running a tech site, agar aapki technology ki website hai ya uska blog hai aur aapne us blog mein let's say कोई security tools का mention किया हुआ है, तो आप वैसे ही products अपनी site में रखिएगा जिनका security से कोई ताल्लुक है. So it could be like an antivirus software that you're trying to sell through affiliate marketing, या इसी तरह किसी भी और चीज़ के product. Benefits क्या हैं? जल्दी से benefits देखते हैं. So you don't have to create your own products. आपको अपने products नहीं बनाने. भाई सबसे बड़ा मसला ये है कि आप अपने products बनाएंगे तो sell कौन करेगा? और अगर आप सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स कौन बनाएगा? सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी विद एफिलिएट मार्केटिंग कि आपने प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाने. साथ ही साथ यू कैन साइन अप टू एज मेनी एफिलिएट प्रोग्राम्स एज पॉसिबल. आप पे डिपेंड करता है, आपने डिसाइड करना है. दिस इज टोटली अप टू यू. किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, आप खुद अपने वे में अपने तरीके से उसको प्रमोट कर सकते हैं. एंड यू कैन गिव brand exposure to the brands that you are trying to sell for. Ab bhai humne affiliate marketing ki upsides ke bare mein badi baat ki, to thoda sa hum downside ko bhi dekh lete hain. Downsides are ki kuch products ki jo affiliate marketing fees hain ya commissions hain wo ho sakta hai bade kam ho, to aapne dekhna hai ki affiliate marketing aapko wara khati hai ki nahi khati. Although I know people who are making monthly crore rupaye using affiliate marketing because they have selected the right products to sell. और साथ साथ आपने अवॉइड करना है टू स्पैम टू मच ऑन योर वेबसाइट कि जी आप रोज़ ही एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक सेल करते हैं तो आपकी ऑडियंस विल बी पुट ऑफ. वो कहेगी कि यार ये क्या है, ये हर दफ़ा इस ब्लॉग ये ब्लॉग हमें स्पैम ही करता रहे. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इसी तरह जो लिंक्स आप लगा रहे हैं, यू हैव टू बी केयरफुल के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाइज दे डू नॉट हर्ट योर वेबसाइट. इसीलिए एफिलिएट मार्केटिंग लिंक्स को लगाने का कुछ डिफरेंट तरीके हैं, कुछ डिफरेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं. सो हाउ टू गेट स्टार्टेड, वेरी क्विक एंड सिंपल स्टेप्स दैट आई विल टीच यू, जिससे आप अपनी वेबसाइट पे अफिलिएट मार्केटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं आज से. पहले इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपनी वेबसाइट पे कुछ कंटेंट ज़रूर डाल लें. ये ना हो कि आप आज अपनी वेबसाइट बनाएं और कल से ही जाके अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दें. यू शुड हैव एटलीस्ट अ 3 month ओल्ड वेबसाइट मेरे ख्याल से जिस पे आप अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं. कंटेंट होना चाहिए, रीडरशिप होनी चाहिए, यूजर्स होने चाहिए. सो नंबर वन, कंसिडर योर साइट्स फोकस. आप देखें कि आपकी साइट क्या करती है. खाने की बात कर रहे हैं आप, ट्रैवल की बात कर रहे हैं आप, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं आप, रियल इस्टेट की बात कर रहे हैं. व्हाट इज योर साइट्स मेन फोकस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ एन अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम, यू विल हैव टू प्रोडक्ट्स दैट आर वेरी रेलिवेंट to your niche, to your market. That means being very clear and very precise ke aap apne customers ki kaun si needs ko address kar rahe hain. Don't do an audience mismatch. Ye na ho ke aapka blog ho food ke bare mein aur aap wahan pe post kar rahe ho technology aur real estate ke bare mein. It's very much important to have linkages and relevancy. Number second is choosing the right affiliate program. Waisa affiliate program jo aapko सही रिजल्ट्स दे सके. वन सच प्रोग्राम इज Amazon Associates. इट्स एन अमेजिंग अफिलिएट प्रोग्राम जिससे आप Amazon पे लिस्टेड प्रोडक्ट्स को सेल करके पैसे बना सकते हैं. एंड अनदर वन विच इज़ माई फेवरेट एंड द मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड वाइड इज कॉल्ड क्लिक बैंक. क्लिक बैंक पर जाके यू हैव टू सर्च फॉर द राइट प्रोडक्ट्स विच आर राइट फॉर योर वेबसाइट. And if you pick the wrong ones, तो होगा ये कि आपकी सेल्स नहीं होंगी एंड यू वॉन्ट बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. कुछ क्विक टिप्स यही हैं कि प्लीज़ प्रमोट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिसको आप पर्सनली
यूज़ कर चुके हों, और एटलीस्ट अगर पर्सनली यूज़ नहीं कर सकते तो आपको उनका पता हो। केयरफुली रिव्यू द टर्म्स टू फाइंड कि कोई ऐसी चीज़ तो उसमें नहीं है जो आपकी साइट से मिसमैच करती है, एंड ट्राई टू फाइंड रिव्यूज़ अफिलिएट प्रोग्राम्स फ्रॉम अदर पीपल। साथ ही साथ जो थर्ड स्टेप है वो ये कि यू हैव टू इंस्टॉल द राइट अफिलिएट टूल्स। उनमें से एक जो मैं सजेस्ट करता हूँ, इट्स कॉल्ड थर्स्टी अफिलिएट्स, विच इज़ अ प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। एंड प्लीज़ क्रिएट क्वालिटी कॉन्टेंट। क्रिएटिंग क्वालिटी कॉन्टेंट विल हेल्प यू क्रिएट अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर योर यूजर्स। हमने आपको बताया अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, विच इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन द डिजिटल इकोनॉमी। आई होप कि आप एक साइट बना सकें जिससे आप ना सिर्फ बाहर के अफिलिएट प्रोग्राम्स को फीचर कर सकें, बट साथ ही साथ पाकिस्तान में कंपनीज के पास जाएं और उनके लिए अफिलिएट एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकें, वेदर इट्स क्लोथिंग ब्रांड्स, वेदर इट्स फूड ब्रांड्स, वेदर इट्स समथिंग एल्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप दैट यू आर एबल टू लर्न टुगेदर, वर्क टुगेदर एंड गिव बैक टू द कम्युनिटी दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर यू, जिसका नाम है डीजी स्किल्स।